वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो जैसे कि आप सबको पता है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया मेरा रिजल्ट तो उसके बाद से मैं अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करने की ट्राई कर रही हूँ फिर से ट्रैक पे आने की ट्राई कर रही हूँ उस दिन तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ था कि मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाई बट उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार ऐसे नहीं थोड़ा सा मैंने खुद को हिम्मत दी और दोबारा से मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी बट सडनली मुझे एक मेल आता है आई विल शो दैट मेल ऑन द स्क्रीन कि लोग किस तरीके से मुझ पर एलिगेशन्स लगा रहे हैं और ऐसे मुझे एक नहीं दो तीन मेल्स आए पता नहीं वो सेम पर्सन के थे या अलग अलग थे क्योंकि मेल में जो भाई साहब थे ना उनको ऐसा लगता है कि मैंने ना एक बात आपसे छुपाई और वो ये है कि मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है क्यों उनको ऐसा लगा क्योंकि उन्होंने मेरे पास कुछ आकाश इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स देखे जो मैं पिछले कुछ वीडियोस में रीड कर रही थी तो इससे उनको लगा कि मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है और मैं आप सबको फूल बना रही हूँ कि मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया हुआ लेकिन मैं ये एकदम क्लैरिफाई कर देती हूँ कि मैं आकाश इंस्टीट्यूट जॉइन नहीं किया हुआ मैंने जो है मेरे फर्स्ट ड्रॉप में आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था और मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी बिकॉज वहाँ पे हमें बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता था जिसकी वजह से वो ड्रॉप मेरा ट्रेस्टिकली फेल हो चुका था मतलब उसमें मैंने बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए थे बट वो मॉड्यूल्स मेरे पास आज भी हैं जिनसे मैं थोड़ा बहुत जो है कभी कभी देख लेती हूँ अगर मुझे कोई टॉपिक देखना होता है तो इस वजह से उन महाशय को ये लगा कि मैं आकाश से पढ़ रही हूँ लेकिन मैं आप सबको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैं आकाश इंस्टीट्यूट से नहीं बल्कि फिजिक्स वाला यानी कि पी से पढ़ रही हूँ मैं मैं अगर पढ़ ही रही होती आकाश से तो मैं सीधा बोल देती लेकिन मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं किया इस साल मेरा प्लान था कि मैं जो विद्यापीठ है ना पी का विद्यापीठ कोटा में वहाँ पर मैं जाने का पूरा मेरा प्लान था बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसीलिए मैंने जो है ऑनलाइन जो कोचिंग है फिजिक्स वाला ऐप से वो ज्वाइन की है और बहुत से लोग ना मुझसे पूछ रहे थे कि आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें तो मेरा तो यही कहना है यार आज के टाइम में ना सबसे बेस्ट कोचिंग इंडिया में जो है ना वो फिजिक्स वाला ही है और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही Aj India, one out of every five students selected in government medical college in NEET 22 is from PW. और यार ये तो सबको ही पता है कि पीडब्ल्यू ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो सबसे लोवेस्ट प्राइस पॉइंट पे ना सारी एजुकेशन जो प्रोवाइड है ना वो करवा रहे हैं पीडब्ल्यू के काफी कोर्सेज आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और पेड भी है जो नाइनटी नाइन रुपीज से फोर्टी टू हंड्रेड तक की अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाते हैं एंड यार आप लोगों के भी मुझे मेल्स आते हैं मैसेजेस आते हैं कि प्लीज हमें सजेस्ट कीजिए कि अगर हमें पीडब्ल्यू ज्वाइन करना है तो हम कैसे करें तो इसके लिए ना आपको कुछ नहीं करना आपको उनका जो ऐप है ना वो डाउनलोड करना है और अभी ना पीजीएफ ऑफर चल रहा है इसमें ना आपको सारे बैचेस पे ना काफ़ी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा ये फेस्टिवल टीचर्स डे की खुशी में सेलिब्रेट हो रहा है फॉर जेई क्लास नाइन्थ टेंथ कॉमर्स ट्वेल्थ बोर्ड हिंदी बैचेस सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये ऑफर ना फिफ्टीन सेप्टेम्बर तक ही वैलिड है एक तो सारे बैचेस वैसे ही काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में है ऊपर से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती और ये एकदम राइट टाइम है एक कोर्स को परचेज करने के लिए बिकॉज अभी अभी जो है ना 22 का रिजल्ट आया और इसके बाद जो है ना सब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 23 के लिए अगेन और ना यार बैच में डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज लाइव डाउट सेशंस और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसके लिए ना आपको और डिस्काउंट देने के लिए ना मेरे पास एक कूपन कोड है जो कि है के एस वन फिफ्टी ये स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा आपको कुछ नहीं करना वहाँ पे जो अप्लाई कोड होता है ना उसमें आपको ये लगाना है और इससे आपको एक्स्ट्रा वन फिफ्टी ऑफ मिलेगा जो भी आप कोर्स परचेज कर रहे हो उस पर तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट होगा एक तो बैच वैसे ही अफोर्डेबल है काफ़ी ज़्यादा और उस पर वन और जो आपको ऑफ़ हो जाएंगे सो गो एंड चेक इट आउट कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप बैच परचेज कर रहे हो ना तो फिफ्टीन सेप्टेम्बर से पहले ही परचेज़ करना दिस इज़ द राइट टाइम टू परचेज़ अ बैच मूविंग ऑन टू वीडियो करंटली जो मैं ना एनसीईआरटी में जो चैप्टर है ना एनिमल किंगडम वो कर रही हूँ ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा जो है ना लेंथी है इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जो कि आपको लर्न करने होते हैं उनके साइंटिफिक जो नेम है और जो उनके कॉमन नेम है वो भी आपको लर्न करने पड़ते हैं उनके फाइलम्स जो हैं या फिर उनके जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिमिट्री तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना दिमाग लगता है इस चैप्टर में बट ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है ये चैप्टर तो ये चैप्टर जो है ना ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो ही गया है ना तो ये करने के बाद ना हाथों हाथ जो है ना मैं इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो कर लूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है ना आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है ना कुछ सालों में पूछे जा रहे हैं बट वो क्वेश्चन करने से पहले जो है ना खाना बन चुका था तो मम्मा ने बोला कि पहले खाना खा लो खाने में भिंडी की सब्जी बनी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी तो मैंने जो है ना भिंडी और कर्ड और रोटी ली थी साथ में भिंडी और कर्ड का, का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है एक्चुअली साथ में और इसके बाद ना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया और इस चैप्टर के ना काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने ये चीज़ नोटिस की है एंड या गाइज अभी जो रिज़ल्ट आया ना उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा और ये भी मेल्स आ रहे थे कि प्लीज़ आप हमें कुछ सजेस्ट करो कि हम दोबारा से ट्रैक कैसा है तो उसके लिए मैं एक अलग आपको कोई वीडियो में बता दूंगी लेकिन अभी मैं ना जो चीज़ बोलना चाहती हूँ ना कि कुछ मैसेजेस थे जो मेल्स थे वो ये भी थे कि अभी हब, अब कुछ बचा ही नहीं है नीट के बाद अब हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे हैं ये कर रहे हैं बिकॉज uh, उसमें जो uh, मेरे फादर थे उस वीडियो में एक्चुअली तो उन्होंने uh, जो बातें बोली ना वो मतलब कुछ लोगों को uh, बुरा लगा कि यार हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों नहीं दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर पेरेंट्स विद माई पेरेंट्स तो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स सबके जो है ना पेरेंट्स किसी भी बच्चे का बुरा नहीं सोचते हम आप लोग पता नहीं ये क्यों सोचने लग गए उस वीडियो को देखने के बाद कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं कहते हमारे पेरेंट्स इतना डांटते हैं तो यार मेरे पेरेंट्स भी मुझे डांटते हैं जहाँ डांटने की जरूरत होती है डेली में मैं कभी नहीं पढ़ती ना तो मुझे डांट पड़ती है लेकिन वो टाइम ऐसा था कि वहाँ पर आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है इसलिए उन्होंने मुझे उस टाइम पर सपोर्ट किया ऐसा नहीं कि मुझे कभी डांट ही नहीं पड़ती और रही बात कंपेयरिंग की ना यार हर किसी पेरेंट्स की ना वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ अप्रोचिंग डिफरेंट होती है वो आपको डांट रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि दे डोंट लव यू वो फ्यूचर जो है ना सिक्योर देखना चाहते हैं और वो कुछ पेरेंट्स डांट के एक्सप्रेस करते हैं और कुछ पेरेंट्स डांट के एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन एट दी एंड सभी यही चाहते हैं कि आप एक अच्छा पर्सन बनो नो मैटर कि आप किस फील्ड में जाके बन रहे हो चाहे वो डॉक्टर है इंजीनियर है लो है आई एस कुछ भी फील्ड में आप कर रहे हो लेकिन एट द एंड वो यही चाहते हैं कि आप एक अच्छे पर्सन बनो तो प्लीज़ उस वीडियो में ना आप, आप कमेंट्स आप भी देखना कि काफ़ी ज़्यादा कंपेयरिंग हो रही थी कि आ, पार, सबके पेरेंट्स किस तरीके से हैं यार इसको कुछ नहीं कहते तो मुझे वो कमेंट्स पढ़ के काफ़ी बुरा लगा कि यार प्लीज़ कंपेयर मत करो एटलीस्ट पेरेंट्स को तो मत कंपेयर करो यार सबके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने पेरेंट्स को और अभी मेरा ज्ञान है ना थोड़ा सा साइड में रखते हैं ये जो है ना मेरे फिजिक्स के नोट्स हैं जो मैंने खुद ने बनाए हैं तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना बिकॉज आप भी इस तरीके से जो कलरफुल पेंस का यूज कर सकते हो हाईलाइटर का या फिर डिफरेंट डिफरेंट पेंस का इससे क्या है ना थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर दोबारा से आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो और ये दिखाने का मेरा यही मेन रीजन था बिकॉज नोट्स मेकिंग जो है ना वो हर किसी को ईजिली नहीं आता है तो आप इस तरीके से जो है ना लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ ही जो नोट्स है ना वो आप बना सकते हैं बाद में भी बना सकते हैं लेकिन ये मेरे खुद के बनाए हुए एक्चुअली जो नोट है एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और ना काफी कम लोग आप लोगों ने सब्सक्राइब सब्सक्राइब किया हुआ है है जो व्यू का का रेशियो ना वो बहुत ही कम है मतलब कि जो भी मेरी वीडियो देखते हैं ना उसमें उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना वो लोग ज्यादा हैं वीडियो देखने वाले तो अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो बिकॉज इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय Bye.